Hello students, welcome to JimsOrbit. I hope you all are doing very well and you all are fine. So in today's lecture, we are going to start our new head of the chapter Federalism. So हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फेडरलिज्म के बारे में, उसका मीनिंग एंड नेचर. तो आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म का नया टॉपिक. तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और अगर नहीं है तो लिसन वेरी केयरफुली. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. पिछले लेक्चर में हमने देखा था फेडरलिज्म के क्या फीचर हैं, फेडरलिज्म का क्या नेचर है, क्या मीनिंग है, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है. तो आज हम देखेंगे वो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं. इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे इन डिटेल. तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी? यस. सो फॉर अ बैकग्राउंड, इंडिया इमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1947. 1947 में इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ ब्रिटिश हुकूमत से. तो उस टाइम ब्रिटिश रूल में जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, वो सारे इंडियन यूनियन का पार्ट बन गए. ब्रिटिश टाइम पे जो इंडिया था उसका पार्टीशन हो चुका था 1947 में. दो डिफरेंट स्टेट्स बन चुके थे, दो डिफरेंट कंट्री बन चुके थे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया. उसके बाद जो इंडियन टेरिटरी थी, इसमें जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स वो हैं जो कि छोटे छोटे एरियाज थे, राजाओं द्वारा रूल किए जाते थे, वो सारे इंडियन यूनियन का इंटीग्रल पार्ट बनते गए, इंडियन यूनियन का पार्ट बनते गए. और उसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बना, इंडिया के लिए ड्राफ्ट हुआ, अडॉप्ट हुआ, इनेक्ट हुआ, वो डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा. तो लेट्स सी कि आर्टिकल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट. आर्टिकल वन डिक्लेयर करता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स, दिस इज द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डिक्लेयर्स द स्टेटस. तो आर्टिकल वन कहीं भी टर्म फेडरेशन यूज नहीं करता, लेकिन इंडियन पॉलिटी जो है, इंडियन यूनियन जो है, वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है. यानी वो सारे फीचर्स, वो सारे प्रिंसिपल्स जो कि हमने पढ़े थे एक फेडरल कंट्री में होने चाहिए, वो सारे इंडिया में हैं और इसीलिए इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है. तो ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, ओरिजिनल जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ ऑन 26 जनवरी 1950, which we celebrate as a Republic Day. हम 26 जनवरी को हर साल Republic Day बनाते हैं. Republic Day हम इसलिए बनाते हैं because on this day the Indian Constitution was enacted. The Indian Constitution came into force. भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था और उस साल से, उस दिन से हम हर साल भारत में गणतंत्र दिवस यानी कि Republic Day बनाते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली इनेक्ट हुआ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे, दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए थे. जैसे कि हमने फेडरलिज्म में पढ़ा था कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर देयर एग्जिस्ट टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे. पहला था हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट, यानी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा था हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम स्टेट्स भी बोलते हैं. तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंट होता है यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंट होता है स्टेट्स के नाम से. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में अमेंडमेंट हुई, दो अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट के बाद हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ऑप्शन आ चुका था. उसके बाद पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इन विलेज एंड सिटीज जो है वो आ गया था. तो हमारे पास थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी ऐड हो गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय अमेंडमेंट्स, जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट हेड में, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. तो ओरिजिनली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किए, एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन ऑफ इंडिया कहेंगे, दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम स्टेट्स कहेंगे. अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताए हमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके डिवीजन ऑफ पावर भी बताए. जैसे कि हमने पढ़ा था फेडरलिज्म के फीचर में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवीजन ऑफ पावर को मेंशन करता है, स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होगी और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होगी. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बताता है. लेजिस्लेटिव पावर मीन्स लॉ मेकिंग पावर. तो लॉ मेकिंग पावर किसकी होगी?
लॉ मेकिंग पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस रिगार्ड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताता है, तीन तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो लेजिस्लेटिव पावर का, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओवरऑल 12 शेड्यूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, जिसका शेड्यूल 7 जो है उसके अंदर तीन लिस्ट मेंशन है, उसके अंदर तीन लिस्ट हैं, और इन तीन लिस्ट का नाम है, पहला है यूनियन लिस्ट जिसको हम लिस्ट 1 कहते हैं, फिर है स्टेट लिस्ट जिसको हम लिस्ट 2 कहते हैं, और फिर है कॉन्करेंट लिस्ट इसको हम लिस्ट 3 कहते हैं। अब इन तीनों लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हैं, वो सारी पावर्स मेंशन हैं जिस पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही सिर्फ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करता है, बल्कि उनके डिवीजन ऑफ पावर को भी क्लियर कट बयां करता है कि क्या क्या पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने की, और क्या क्या पावर होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने की। अब हम इस लिस्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहली लिस्ट है हमारे पास यूनियन लिस्ट, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, यूनियन लिस्ट का मतलब इट रिलेट्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये वो लिस्ट है जिसमें कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, यानी वो सब्जेक्ट्स जिन पे पूरे देश में यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, एक जैसा लॉ होना चाहिए। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होंगे जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, जिसकी इंपॉर्टेंस पूरी कंट्री में एक जैसी होगी, और जिन पे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को यूनिफॉर्म लॉ चाहिए जिसपे की गवर्नमेंट यूनिफॉर्म लॉ बना सके। तो वो पावर किसके हाथ में थी, यूनियन लिस्ट में वो पावर दी गई किसको, यूनियन गवर्नमेंट को। हमने पढ़ा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है फेडरल स्ट्रक्चर में, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री को ओवरलुक करती है। यहाँ पे भी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री को ओवरलुक करती है, और इसलिए यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है वो हैं जैसे डिफेंस हो गया, वो हो गया जैसे फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पूरी कंट्री के लिए एक जैसा लॉ, पूरी कंट्री के लिए यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि इन सब्जेक्ट्स पे यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी चाहिए थी, इसलिए ये पावर यूनियन गवर्नमेंट को दी गई कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। मतलब यूनियन लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स पर यूनियन गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है, पूरा राइट है कि वो उन पे लॉ बना सके, जो कि यूनिफॉर्म लॉ होगा और जो कि पूरे इंडिया में फॉलो होगा, जिसका नेचर पूरे इंडिया में एग्जैक्टली सेम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनियन लिस्ट, दिस इज द वेरी फर्स्ट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। सेकेंड कम्स दी स्टेट लिस्ट, इसका भी जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, स्टेट लिस्ट मतलब ये वो लिस्ट है जिसपे की स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जिसपे की स्टेट्स लॉ बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स थे जिन पे कि यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी चाहिए थी, इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि कुछ लोकल इंपॉर्टेंस के होंगे, मतलब हर इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, टोटल इंडिया है 28 स्टेट्स, तो हर स्टेट का अपना अपना एरिया है, अपनी अपनी टेरिटरी है, अपने अपने रीजनल डाइवर्सिटी है, और अपनी अपनी फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। तो वो सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट के लोकल एरियाज के लिए ज़रूरी है उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट, जो कि लोकल इम्पोर्टेंस के हैं, और इन पे स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पूरा अधिकार है कि वो लॉ बना सके। तो स्टेट लिस्ट यानी लिस्ट सेकंड में स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है दैट इट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। तो ये था हमारे स्टेट लिस्ट के बारे में, लिस्ट सेकेंड के बारे में। नाउ थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। हमने पढ़ लिया कि यूनियन लिस्ट है तो भाई यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना रही है, और स्टेट लिस्ट है तो भाई स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही है। तो फिर ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है जी? अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉ बना सकती है, मिलके इन द सेंस कि उन सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और उन सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा था फेडरलिज्म का, जो आइडियल फेडरलिज्म होता है उसका मेन एस्पेक्ट होता है उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो इसी प्रोस्पेक्ट को, इसी एस्पेक्ट को फर्दर करती है ये कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हम लिस्ट थर्ड भी बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। और इसमें वो सब्जेक्ट हैं जिसमें जो कि कॉमन इंटरेस्ट के हैं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के भी हैं। वो क्या सब्जेक्ट्स हैं, देखिए, फॉरेस्ट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, एडॉप्शन से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं, इन पे यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन हैं उनमें दोनों
गवर्नमेंट को अधिकार है, यूनियन गवर्नमेंट भी किसी एक टॉपिक पे लॉ बना सकती है, किसी एक सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी किसी एक सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। लेकिन अब सपोज मानिए कोई एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन कोई सब्जेक्ट है, उस पर लॉ बना दिया दोनों ने, यूनियन गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया एट द सेम टाइम और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया एट द सेम टाइम, तो यहाँ तो कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ पे किसका लॉ फॉलो होगा? स्टेट गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा कि यूनियन गवर्नमेंट के लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस केस में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जिस पे की लॉ बनाया है किसने, यूनियन गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का लॉ जो प्रिवेल करेगा, यानी वो लॉ उस सब्जेक्ट पे जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा उस लॉ को हम प्रेफरेंस देंगे और वो लॉ जो है प्रिवेल करेगा स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज पे। तो तीन लिस्ट हमारे पास हो गई, फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे कौन लॉ बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों गवर्नमेंट। और जो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? यूनियन गवर्नमेंट का। तो दिस इज ऑल अबाउट दी थ्री लिस्ट मेंशन इन द शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनियन लिस्ट में मेंशन ना हो, जो कि सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन ना हो और जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन ना हो, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं, जब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है कंट्री का, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है सोसाइटी का, जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए और इंफॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि उस टाइम शायद डेवलप ना हुए हों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हो, पर ग्रेजुअली ये डेवलप हुए, या ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जब डे टू डे फंक्शनिंग होती है, जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती है, तो रोज एक नया मुद्दा खड़ा होता है, रोज कोई ऐसी काम आ सकते हैं जो कि जो सब्जेक्ट्स इन तीनों लिस्ट में मेंशन ना हो, मतलब ना तो यूनियन लिस्ट में मेंशन है तो इसका मतलब यूनियन लिस्ट लॉ नहीं बना पाएगी उस पर, स्टेट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना पाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट में भी मेंशन नहीं है, उन सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। और उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर हमारे पास किसको दी गई है? यूनियन गवर्नमेंट को। दिस इज कॉल्ड द रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी पावर यानी वो सब्जेक्ट्स जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है पर एग्जिस्ट करते हैं, पर अर्जेंसी है लॉ बनाने की, तो उन सब्जेक्ट्स पे लॉ कौन बना सकती है? यूनियन गवर्नमेंट। यानी रेजिड्यू सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स जिन पे जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है पर उन पे अगर ज़रूरत है लॉ बनाने की, तो वो पावर हमारे यहाँ किसको दी गई है? वो पावर हमारे यहाँ दी गई है यूनियन गवर्नमेंट को। फाइन, सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ बैलेंस ऑफ पावर। सो इसको कोरिलेट करते हैं हम फेडरलिज्म के फीचर को, कि जब हमने पढ़ लिया था फेडरलिज्म का मीनिंग, नेचर और फीचर हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर फेडरेशन जो है वो दो तरीके के होते हैं, हमने पढ़ा था। एक होता है हमारे पास कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें हमने रखा था एग्जांपल यूएसए को, और एक होता है हमारे पास होल्डिंग टुगेदर, इसमें हमने रखा था इंडिया को। तो हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पावर में, अब बैलेंस ऑफ पावर में हमने देखा क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इनके पास, दोनों के पास या तो इक्वल पावर है या दोनों के पास अलग अलग पावर है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा मजबूत है या स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा मजबूत है। तो हमने देखा था कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन वो होते हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो पूल करके एक लार्ज बिगर यूनिट बनाते हैं, और वो जब बिगर यूनिट बना देते हैं, अपनी सॉवरेंटी को पूल कर देते हैं, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्वल होती है। लेकिन ऐसा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में नहीं होता। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो होता है वो लार्ज कंट्री अपनी पावर को उस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड करती है। एक कंट्री है वो अपनी पावर को छोटे छोटे स्टेट्स में बांट देती है जो कि उसको कंपोज करते हैं, जो कि उसको बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें डिविजन ऑफ पावर, उसमें बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इक्वल नहीं होता, बल्कि वो अनइक्वल होता है। उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है और जो स्टेट्स होते हैं उनके पास भी इक्वल पावर नहीं होती। अब क्योंकि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, तो देखते हैं कि इंडिया में बैलेंस ऑफ पावर किस तरीके से है। इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, दिस वी ऑलरेडी नो। सो दस ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। जैसे हमने पढ़ा था होल्डिंग टुगेदर का फीचर होता है ये कि उसमें स्टेट्स के पास आइडेंटिकल पावर नहीं होती,
कुछ स्टेट्स के पास पावर ज्यादा होती है, कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर होती है और कुछ स्टेट्स के पास पावर कम होती है. एंड कंपैरेटिवली इनकी पावर, सारे स्टेट्स की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कम होती है, इक्वल नहीं होती. सो इन इंडिया सम स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर इंजॉयड स्पेशल पावर. अब इंडिया में एक नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट था हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर, उसके पास कुछ स्पेशल पावर थी अब से पहले, 2019 से पहले. वो ऐसा क्यों अभी बताया जाएगा आपको. उसके पास एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था जी, इंडिया का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू एंड कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन. इवन उसके पास अपना अलग फ्लैग भी था. एंड प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट एप्लीकेबल विदाउट अप्रूवल ऑफ स्टेट. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल भी नहीं होते थे जब तक कि वहाँ का स्टेट उस बात को अप्रूव ना कर दे कि ये प्रोविजन अब हमारे यहाँ लागू होंगे. तभी जाकर के वो प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ पर लागू होते थे, उससे पहले लागू नहीं होते थे. एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और होम हेयर. अब इंडियन रेजिडेंट जो कि वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है पर इंडिया के रेजिडेंट हैं, वो वहाँ पर जाकर के लैंड नहीं खरीद सकते थे, वो वहाँ पर जाकर के घर को नहीं खरीद सकते थे. तो ये एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का. ये बाकी स्टेट से स्पेशल स्टेटस था क्योंकि ऐसा किसी स्टेट में और नहीं है बाकियों में, कुछ हो को छोड़ के, कि हम वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते, वहाँ पे हम जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ पे हम घर नहीं खरीद सकते और उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो. पूरे इंडिया में हर स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. ऐसे ही प्रोविजंस जो हैं वो बाकी स्टेट्स के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं. कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं हमारे पास, जैसे असम हो गया, जैसे सिक्किम हो गया, जैसे हमारे पास हो गया मणिपुर हो गया एटसेट्रा. ये वो स्टेट्स हैं जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है. इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख के, इनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देख के इन स्टेट्स के पास कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं. यहाँ पे कुछ लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, यहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस बने हुए हैं ताकि इनको थोड़ा स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है वो इनके डेवलपमेंट के लिए और एडवांसमेंट के लिए. 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास भी स्पेशल स्टेटस था जो कि हमने पढ़ा क्या क्या था. लेकिन 2019 में ऑन 5th अगस्त 2019 जम्मू एंड कश्मीर का ये स्पेशल स्टेटस जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया है, मतलब वो खत्म कर दिया गया है. अब जम्मू एंड कश्मीर इज लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, इट हैज नो स्पेशल पावर ऑफ इट्स ओन, इट हैज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, नो सेपरेट फ्लैग एंड नो दैट रेस्ट्रिक्शन जो कि हमारे पास है कि हम वहां पर जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहां जाकर के घर नहीं खरीद सकते थे. तो वाया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 इसको, इस स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया है. ये बहुत रिसेंट एडवांसमेंट है, रिसेंट डेवलपमेंट है जो कि 2019 में हुआ है. तो ये हमारे पास एक नया पॉइंट है जो कि हमें पता चल गया है कि जम्मू कश्मीर का भी स्पेशल स्टेटस नहीं रहा है. बाकी और स्टेट्स का जो है, जो कि हमने नाम मेंशन किए थे, असम, मिजोरम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, इनका स्पेशल स्टेटस अभी भी बरकरार है, इनका स्पेशल स्टेटस अभी भी रिटेन्ड है. नाउ यूनियन टेरिटरीज, हमने बहुत बार सुना होगा कि हमारे देश में इतने स्टेट्स हैं एंड इतनी यूनियन टेरिटरीज हैं. तो क्या होती है यूनियन टेरिटरीज और उनका नाम यूनियन टेरिटरीज ही क्यों है और ये स्टेट से कैसे अलग हैं वो अभी हम देखने वाले हैं. सम यूनियन टेरिटरीज इंजॉय वेरी लिटिल पावर. कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं इंडिया में जिनके पास बहुत कम पावर है, मतलब उनका अपना कोई अलग स्टेटस नहीं है जैसा एक स्टेट के पास होता है. एक स्टेट के पास अलग स्टेटस है, अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है. कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास स्पेशल पावर नहीं है, जिनके पास ऑलमोस्ट बहुत लिटिल पावर है और या तो वो स्टेट नहीं बनाई जा सकती इंडिपेंडेंट, मतलब वो तो या तो बहुत छोटे इलाके हैं, वो बहुत छोटे छोटे एरियाज हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, या फिर उनको हम एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ मर्ज नहीं कर सकते. तो इन ये जो टेरिटरीज हैं ये इनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं. जैसे हमारे पास दिल्ली है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दामन एंड दीव है, पुडुचेरी है. ये वो टेरिटरीज हैं जो कि अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट है. जी हमने पढ़ा था अभी कि हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ओवरलुक करती है ओवर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. यानी एक स्टेट में जितने भी काम हो रहे होंगे उसको ओवरलुक कौन करेगा, स्टेट को. उसको ओवरलुक करने का काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का. लेकिन इन टेरिटरीज में ऐसा नहीं होता, ये टेरिटरीज जो है ये अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन होती है यूनियन गवर्नमेंट के. मतलब यूनियन गवर्नमेंट इनका डायरेक्ट कंट्रोल कर रही होती है और इनको एडमिनिस्टर कर रही होती है और ये यूनियन गवर्नमेंट से गवर्न होती हैं. इनको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज.
ये इंडिया का मैप है हमारा, इसमें लोकेशन बताई गई है कि कौन कौन हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमने जैसे भी पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो एब्रोगेट हो गया है, ख़त्म कर दिया गया है 2019 में। उससे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर था वो स्टेट था, एक वो एक स्टेट था, लेकिन 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और एक लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ये 9 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है। हालांकि इसके एक्सेप्शन है एक, जो कि मैं बता देता हूँ आपको, कि दिल्ली और पुडुचेरी में जो है वो अपनी स्टेट इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं, यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेकिन अदरवाइज ये जो है डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन होती है यूनियन गवर्नमेंट के। नेक्स्ट, अब जो हमने पढ़ा था, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाई इज दिस अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा जो ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है ना, ये 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट मेंशन है। इस डिवीजन ऑफ पावर को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यही हो गया कि इसको इट कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अंडरस्टैंड? तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, इसको ऑल्टुगेदर बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा दिया हुआ है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे ही जो यूनियन एंड स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कि अमेंड नहीं किया जा सकता। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट फॉर चेंज, इट हैज टू गो थ्रू 2 स्टेप्स। अब इस अरेंजमेंट को पार्लियामेंट जो है वो अकेले चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और इसलिए हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल है, लेकिन वो इस अरेंजमेंट को यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकती। अगर उसको इसमें कुछ बदलाव लाने होंगे तो उसे क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पास यूनियन लेजिस्लेचर जो है वो कौन है, मतलब यूनियन लॉ मेकिंग बॉडी हमारे यहाँ है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जो है हमारे यहाँ उसके 2 हाउस हैं, एक है लोकसभा, इसको हम कहते हैं लोअर हाउस, एक है हमारे यहाँ राज्यसभा, इसको हम कहते हैं अपर हाउस। तो अगर कोई ऐसी चेंज है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर को चेंज करना है हमें, कोई सब्जेक्ट हटाने, कोई सब्जेक्ट ऐड करने हैं, कोई सब्जेक्ट को इस लिस्ट से हटा के उस लिस्ट में डालना है, तो उसको ऐसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए उस बिल को, उस अरेंजमेंट को पास होना होगा बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। अब 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग का मतलब है, सपोज मानिए राज्यसभा में हमारे पास 250 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो एट द गिवन टाइम हमारे पास क्या हो गया, 100 मेंबर्स एब्सेंट हैं, तो हमारे पास कितने मेंबर हो गए, 150 मेंबर हो गए। अब उस बिल को पास होना है इस हाउस में, क्योंकि दोनों हाउस में जो है वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना है, तो सपोज मानिए राज्यसभा से पास होना है, तो 150 का जो है वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना है, 150 मेंबर्स हैं, तो इनकी 2/3 मेजोरिटी क्या होगी प्रेजेंट इन वोटिंग, इनकी 2/3 मेजोरिटी हो गई 100, 100+1। तो इस मेजोरिटी से 100+1, जब तक 101 मेंबर्स जो हैं इसको पास नहीं कर देंगे, इसको वोट नहीं कर देंगे, तब तक वो बिल पास नहीं होगा। और एडिशनली प्लस ऐसे किसी बिल को, ऐसे किसी अरेंजमेंट को रेटिफाई करना पड़ेगा, रेटिफाई मतलब अप्रूव करना पड़ेगा बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल स्टेट। यानी पहले ऐसे किसी अरेंजमेंट बिल को पास होना पड़ेगा दोनों हाउसेस से, दोनों हाउस से मतलब लोकसभा से बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड राज्यसभा से बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि हमने देखा कैसे है। उसके बाद जब वो यहाँ से पास हो जाएगा, तो उसको जितने भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स
लेजिस्लेचर के द्वारा पास करना पड़ेगा, यानी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, तो यानी 14 या 15 स्टेट्स को उस बिल को रेटिफाई करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ अब ये अरेंजमेंट चेंज कर सकते हो, जैसा कि अरेंजमेंट आपने प्रपोज किया है कि हमें ये चेंज लानी है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में, उसको कर सकते हो, तभी जा करके वो बिल जो है वो एक्ट बनेगा, वो बिल तब जा करके पास होगा। यानी इसके टू फोल्ड सेफ गार्ड है। सबसे पहले ऐसे बिल को पास कराने के लिए उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउस जो कि लोकसभा और राज्यसभा है वहां से पास होना पड़ेगा बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको रेटिफाई करेंगी बाय सिंपल मेजोरिटी। अब हमने लेजिस्लेचर का रोल पढ़ लिया, हमने डिवीजन ऑफ पावर पढ़ लिया, हमने सेफगार्ड पढ़ लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको हम यूनिलैटरली पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकती क्योंकि हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ऑल पावरफुल है इन रिगार्ड टू इन कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो हमने वो सेफगार्ड पढ़ लिए। अब जुडिशरी की अपना एक रोल है फेडरल कंट्री में। जुडिशरी सॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन डिवीजन ऑफ पावर। अब डिवीजन ऑफ पावर को लेके कोई भी डिस्प्यूट आता है, जो कि हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में ही पढ़ा था कि हाईएस्ट जुडिशरी का ये रोल होता है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर, तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करती है हमारे यहाँ जुडिशरी। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप कोर्ट ऑफ कंट्री है और हाई कोर्ट जो है वो हमारे पास टॉप कोर्ट ऑफ स्टेट। तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है जो कि स्टेट की एपेक्स कोर्ट होती है और पूरी कंट्री में एक एपेक्स कोर्ट है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। अब इनका काम क्या होता है, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट्स हैं, इनका काम होता है टू सी इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर्स दे रखे हैं, सपोज मानिए जो एक प्रोसीजर दे रखा है कि किसी भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए जो बिल को है वो दोनों हाउसेस के द्वारा एक तो 2/3 मेजोरिटी से पास होना होगा, और उसके बाद जब वो वहां से पास हो जाएगा तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफाई करेंगी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। वो प्रोसीजर दे रखा है, तो अगर उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता तो उसको इंप्लीमेंट कराएंगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जुडिशियरी उसको इंप्लीमेंट कराती है, वो देखती है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा। और उसके बाद यूनियन एंड स्टेट रेज रिसोर्सेज बाय लिवाइंग एंड इम्पोजिंग टैक्स टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक पावर होती है यूनियन एंड स्टेट्स की, जो कि हमने फीचर ऑफ फेडरलिज्म में भी पढ़ा था कि यूनियन एंड गवर्नमेंट डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट करती हैं, लॉज बनाती हैं, कंट्रोल करती हैं, एडमिनिस्टर करती हैं। उसके लिए उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। तो वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसे गेन करती हैं, वो गेन करती हैं बाय लिवाइंग एंड इम्पोजिंग टैक्सेस, जिसमें हमने पढ़ा था इंडिया के एग्जाम्पल में कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स इम्पोज करती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वैट इम्पोज करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वैट लगाती है फ्यूल पे, वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है। तो ये सब चीज़ें, ये मैकेनिज्म है जिससे कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को गेन कर पाएं, ताकि वो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी कर पाएं। So this is all about today's lecture. I hope you all have understood the scheme, the concept, the safeguard and the provisions. So next हम मिलेंगे नए अपने topic के साथ, जो कि होगा हमारा how is federalism practiced and maybe decentralization. इन दोनों topic को हम cover करेंगे बहुत detail में। I hope कि आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसके notes बनाए होंगे, इसको revise करिए, एक बार prepare करिए, major concept की बातें हैं उसको याद रखिए कि क्या क्या provisions required हैं, क्या क्या नहीं है। और जब तक अपना ध्यान रखिए, कीप सेफ, मेंटेन योर हेल्थ, एंड अंटिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।